Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, how are you doing? Well, friends, past infinite tense is finished. Today I am going to teach you the all forms of past infinite tense. मैं एक एक करके जितना कुछ भी मैंने past infinite tense में आपको पढ़ाया है अभी तक, वो सारे के सारे मैं एक एक करके एक ही वीडियो में बता रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में पीछे ना जाना पड़े. एक ही वीडियो से आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाए और आपको आसान हो रिवीजन करने में. ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, जितने भी टेंसेस हैं, मैंने प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के भी ऑल फॉर्म बताए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के भी, मतलब जितने भी टेंस को मैं फिनिश करता हूँ, लास्ट में एक वीडियो में ऐसा ज़रूर बनाता हूँ जिसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ दैट टेंस, मतलब जिस टेंस के भी बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं, उस टेंस का जितने भी फॉर्म्स मैंने आपको बताया, 6 वीडियो या 7 वीडियो या 5 वीडियो, जितना भी वीडियो बताया मैंने आपको बनाकर दिखाया, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में करने की कोशिश करता हूँ. तो चलिए आइए फटाफट हम शुरू करते हैं और फटाफट एक एक करके हम समझते जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बताए थे. आपको एक एक करके हम देखते हैं. फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. वह गया, ही वेंट. वह नहीं गया, He didn't go. क्या वह गया? Did he go? वह कहाँ गया? तो where did he go? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स सारे सेंटेंस आ गए. ठीक है, अब दूसरा इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव कर लिया था हमने. वे लोग खेलने गए, तो दे went to play. नेगेटिव, वे लोग खेलने नहीं गए, तो they didn't go to play. इंट्रोगेटिव, क्या वे लोग खेलने गए? तो did they go to play. अभी क्वेश्चन वर्ड, वे लोग खेलने कब गए? When did they go to play? ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव का सेंटेंसेस हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है फ्रेंड, अभी हम कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का हम सेंटेंसेस लेते हैं. जैसे वह, हम लोग खेलते रहे. हम लोग खेलते रहे, तो वी केप्ट ऑन प्लेइंग. अभी नेगेटिव, वी डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग. अभी इंट्रोगेटिव, डिड वी keep on playing?
क्वेश्चन वर्ड, हम लोग कहाँ खेलते रहे? तो वेयर डिड वी कीप ऑन प्लेइंग? अब इन सेंटेंसेस को हम रिमेन, गो ऑन लगाकर भी बना सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है पहले वाले वीडियो में, आपने देखा हो तो आपको याद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लेंगे बिगिन एंड स्टार्ट। वह सिगरेट पीने लगा। ही स्टार्टेड टू स्मोक। नेगेटिव, ही डिड नॉट स्टार्ट टू स्मोक। यहां पर हम बिगिन लगा के भी बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव, क्या वह सिगरेट पीने लगा? डिड ही स्टार्ट टू स्मोक? क्वेश्चन वर्ड, वह सिगरेट क्यों पीने लगा? तो why did he start to smoke? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया स्टार्ट एंड बिगिन वाला सेंटेंस। तो अभी हम देखेंगे did nothing but। वह खेलता ही रहा। वह खेलता ही रहा। ही डिड नथिंग बट प्ले। इसका नेगेटिव नहीं आएगा, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव लेते हैं। क्या वह खेलता ही रहा? डिड ही डू नथिंग बट प्ले? क्वेश्चन वर्ड, वह क्यों खेलता ही रहा? तो व्हाई डिड ही डू नथिंग बट प्ले? ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लेंगे यूज्ड टू। वह वहां खेला करता था। ही यूज्ड टू प्ले देयर। नेगेटिव, ही डिड नॉट यूज टू प्ले देयर। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर दूसरी तरीके से भी यूज के साथ भी नॉट लगाकर हम बना सकते हैं। डिड नहीं लगाएंगे तो कि यूज नॉट टू, ऐसा भी हम बना सकते हैं। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ही यूज नॉट टू प्ले देयर, ऐसा भी बना सकते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव, क्या वह खेला करता था? तो डिड ही यूज टू प्ले देयर? डिड ही यूज टू प्ले देयर? क्वेश्चन वर्ड, वह कहाँ खेला करता था या खेलता था? तो वेयर डिड ही यूज टू प्ले?
मतलब रिविजन उनके नहीं होता ना, जैसे हमने कुछ याद किया हो, पढ़ा हो, फिर उसको रिवाइज करते हैं, और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उसके लिए रिविजन कैसे हो सकता है? वो तो फिर से उनको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसके लिए ये क्लास जो ऑल फॉर्म्स ऑफ द टेंस, किसी भी टेंस का मैंने ऑल फॉर्म्स बताता हूँ मैं, वो उनके लिए होता है जो सारा का सारा वीडियो अटेंड करते हैं, सारा वीडियो देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और अब तक का मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।